नाम भी नहीं सुना ना कहीं। दूसरा फोटोसिंथेसिस जो कि है लेकिन किसी प्रोडक्ट में अभी भी नहीं। तीसरा इसमें डाला गया है एसिटोबैक्टर जो कि गन्ने के लिए बहुत जरूरी है, वो 90 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टर फिट करता है। 90 किलो आपका नाइट्रोजन मतलब यूरिया, चार बोरा यूरिया लेंगे तब आपका 90 किलो मिलेगा, वो खाली इसी एक छोटी बोतल से आप। इसके अलावा जो जितने आपने नाम सुने दुनिया भर के मार्केट में रहे नाइट्रोजन एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, दो धातु सब खराब है। 80 बैक्टीरिया बने जो कि हर काम करते हैं। बायो कंट्रोल में जो नाम सुने सिडोमोनस फ्लोरोसेंस, ये सारे सब ऐसा कोई चीज नहीं जिसके अंदर ना हो। और इसके अलावा जो डाले गए इसके अंदर अश्वगंधा के बैक्टीरिया डाले जो पहली बार डाले, वरना प्लांट होता है जब हमारा पानी में होता है उसके उसके बैक्टीरिया डाले। फिर आपके जो शिला जीत होती है जो आपको पत्थरों से मिलते हैं उसके बैक्टीरिया से डाले, तो सेहत के लिए डाला गया। अब इसका यूज क्या हो गया, आप जमीन सुधारेंगे, जानवरों को पिलाएंगे जानवर सुधरेगा, अगर आदमी के लिए बात। अब तीनों का यूज बताते हैं, जमीन में डालना है, अगर जमीन खराब है तो 3000 लीटर आप लेंगे वेस्ट डिकम्पोजर, आपने बनाया अच्छा पत्तियों का बनाना जो आपके खेत में खरपतवार हुआ होगा, जो गाय भैंस नहीं खाती वो खा के सबको चटनी बना दीजिए, ग्राइंड करके एक ड्रम में डाल दीजिए, उसमें डिकम्पोजर 7 दिन पुराना डाल देंगे, आप 11 दिन के बाद देखेंगे सही हो गया, 21 दिन में पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, उसको लेके किसी कंटेनर भर ले। ये कंटेनर आपका जो कृषि साइड है 10 साल तक चले, जब जरूरत है यूज के लिए कतरे, फिर आपने एक बार निकाला फिर आपने दोबारा 20 दिन में डाल दिया, 21 दिन थोड़ा फिर निकाला, तो ये आप करते रहेंगे आपको अपने आप ये हर तरह की चीजें आपको बनते। अब इन तीनों का जो है यूज करने का तरीका यही है कि अगर जमीन आपकी नॉर्मल है, अगर आप इतना बड़ा टैंक नहीं बना सकते, पहली बार टैंक लीजिए प्लास्टिक का नहीं कर सकते, तो गड्ढा खोद गड्ढे में टारपीन डाल दिए, उसके अंदर आप वेस्ट डिकम्पोजर एक बॉटल से ही बनेगा। अगर आपने 1 लाख लीटर का लिया है जैसे बड़ा जगह है, अगर आपने कम लिया है तो उसमें क्वांटिटी कम हो, क्योंकि इसमें 100 किलो में 1 किलो गुड़ पड़ता है, अगर 1000 में तो कम पड़ता है लेकिन उसका आधा कम, जो 1 किलो गया आधा कम जब बड़े पैमाने पर आ रहा है, लेकिन मदर कल्चर हमेशा 1 किलो में बने। अब इसको तीनों को मिला के जब जा रहा है तो 1000 लीटर पानी आपने वेस्ट डिकम्पोजर लिया, उसमें 10% माइक्रो 10% 100 लीटर 100 लीटर आपने पत्थरों का किया, 100 लीटर पत्तियों का, तीनों को पानी के साथ चैनल में अगर इरीगेशन है तो जब आपके जो पॉट है उसमें डाल दीजिए अपने आप करता है, अगर फ्लड इरीगेशन तो उसको साफ करता है। जैसे 1000 लीटर आप डालेंगे 6 महीने के अंदर जमीन आपकी पूरी बदल जाएगी, ऐसी जमीन हो आपको बिल्कुल दिखाई देगा नहीं बदलना, कुछ जमीन 6 महीने में कुछ जमीन 1 साल के अंदर पूरी की पूरी बदल जाती है। उसकी पहचान क्या है, कुछ लोगों को बताया भी होगा कि जब आपके अंदर जो नीचे केचुए थे वो नीचे से ऊपर आना चाहिए। केचुए क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, एक हमारा 7-8 फीट में रहता है, एक हमारा 18 फीट में रहता है और उसके बाद 40 फीट तक केचुए पाए जाते हैं। तो वो जैसे क्योंकि ये गाय के गोबर से आपका बैक्टीरिया निकाला गया, तो गाय के गोबर में जो आपके एंजाइम वही एंजाइम पैदा करता है, तो जब ये एंजाइम पैदा किया तो नीचे से केचुए को महक आएगी, नीचे से ऊपर आ जाएगी, आपको मालूम होगा गाय के गोबर में अपने आप केचुए आ जाए, अगर कहीं पड़ा हो तो आप देखेंगे, तो ये गाय के गोबर की खासियत है। तो वही चीज इसमें दी गई है कि जैसे आप डालेंगे केचुए आएंगे और एक एकड़ में आपको कम से कम 5 लाख केचुए। गिनने का तरीका एक हाथ इधर एक हाथ कच्चा एक हाथ नीचे करके आप स्क्वायर में लेके जमीन को खोद दीजिए, उसके अंदर छेद ले लीजिए, कितने छेद है, अगर 10 होल है इसके माने 10 केचुए आपके 1 स्क्वायर में हुए, तो आपका 1 एकड़ में 5 लाख केचुए, अगर 11 है तो 6 लाख, इसी तरह से आपका पड़ता है। तो ये केचुए आने ही आने हैं आपके जमीन में पक्का। अब केचुए आ गए तो उनको क्या करना है, तो खाली आपको खरपतवार आपने जो फसल काटी गन्ने का जो आपने लीफ काटा वो डाला या जो भी सब्जी उगा रहे हैं उसको वेस्ट आप खेत में डालते, और जब डीकम्पोजर जा रहा है तो डीकम्पोज हुआ केचुए उसको खाना बना लेंगे, और जितने केचुए जब आ गए तो क्या करते हैं ये 10,000 मीट्रिक टन
जरूरत नहीं पड़ती बाहर से लेने की। अब चूंकि मैंने बताया कि इसमें कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया पड़ा है, तो कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है कि आपकी जमीन के अंदर 0.3% हर साल कार्बन फिक्स करता है। सॉइल अभी टेस्ट कराइए, यूज करने लगे 6 महीने बाद सॉइल टेस्ट कराइए, 1 साल बाद फिर कराइए, देखिए कितना परसेंट आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, वो उसी से बढ़ेगा, बाकी न्यूट्रिशन अलग बढ़ेगा। सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वाटर होल्डिंग मतलब पानी को रोकने की क्षमता, होल्ड करने की। जैसे आप अभी गिलास, एक गिलास पानी डाल रहे हैं, जितना 1 किलो सॉइल है इसमें आपने मान लिया आधा आधा गिलास डाला, जब डिकम्पोजर यूज करेंगे तो 1 गिलास पानी उसमें डाल देंगे, और वो जमीन में जब आपका डिकम्पोजर अलग पानी जब डालते हैं तो जो आपका पानी जल्दी सूखता है, ड्रेन रहता है, वो नहीं होगा, उसमें रहेगा मॉइस्चर 45 डेज तक। तो पानी की सिंचाई अपने आप कम हो जाती, पानी की रिक्वायरमेंट अपने आप कम, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी केमिकल की मात्रा बढ़ गई, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होने लगेगा, जो आपका कंपैक्ट है, जो बिल्कुल आप अगर ढेला चलना चाहे नहीं टूटता, आप उसमें कम से कम 6 हल चलाते हैं, एक बार जुताई एक एकड़ में कम से कम 5-6 हल चलाते हैं, जब बिल्कुल डिकम्पोजर यूज नहीं कर रहे, लेकिन जैसे डिकम्पोजर यूज किया 2 हल चलाने पड़ते। कितना हल चलाते हैं आप बताइए, तो हल चलाने कितने बार चलाते हैं जो ट्रैक्टर, एक बार, पहले कितने चलाते, मेन क्या है कि जब आपकी जमीन सही हो गई तो आप एक हल चलाएं, वही लोग बोलते हैं जीरो टिलिंग, आप हल ना चलाइए तभी फसल होगी, क्योंकि आप जब खुदाई करेंगे हाथ से खोदते जाएंगे 1 फीट तक गड्ढा आपने आप जो आज आपकी जमीन में नहीं होगा, कुछ जगह यहाँ पर यहाँ पर फिर भी कुछ सही है, लेकिन जैसे हम आगे जाते हैं तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। तो सॉइल ठीक करने के लिए मैंने बताया कि इसके अलावा कोई आपके पास सस्ता रास्ता नहीं है, केमिकल कोई भी डाल दीजिए, एक चीज बनाएगा दूसरी चीज बिगाड़ा, इसलिए केमिकल भी रास्ता है। इतना गोबर गौमूत्र हमारे पास नहीं कि हम डालें, 1 लाख टन गोबर और गौमूत्र अगर डालें तो जमीन आपके बचे नहीं करते, लेकिन वो आपके पास नहीं तो ना ही उतना डाल सकते, क्योंकि गाय को भी हम लोग इंजेक्शन लगा ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जहाँ पर गाय अगर आपने पाली है, जैसे कि अन्ना जी हमारे यहाँ बैठे उन्होंने बताया कि 1.5 गाय होती थी, उन्होंने बिल्कुल पाल रखी थी, जब जमीन में कर देख के आया गौमूत्र का गाय का गोबर पड़ता रहा कई सालों से पड़ता रहा, तो इतने साल क्यों वेट करें क्योंकि आप खेती कर रहे हैं, जितना आपके पास पॉसिबल है, और इसलिए यही रास्ता है कि आप इसको खाली छोटी 50 ml की बोतल आपने इसको मल्टीप्लाई किया, हमेशा यूज करते रहिए, आप देखेंगे कि आपको फायदा मिलेगा। तो ये खाली गन्ने के लिए नहीं है, ये गन्ने में है, और इसके अलावा और भी चीज है, गन्ने में जब आपने बॉइल करने जा रहे हैं तो गन्ने के एक सेट लीजिए, एक आम लीजिए, उसको वेस्ट डिकम्पोजर जो आपने बनाया माइक्रो उसमें 1 घंटा डिपोज दीजिए, फिर उसको स्वयं कर, तो आपको एक से जो फुटान आपके आती थी पहले कोई 10 आती थी 12 फुटान कितनी आती है, कितने फुटान मिलती है 10 10 12 5 किलो डीएपी 5 किलो एमपी देखिए वेस्ट डिकम्पोजर
चार दिन छोड़ देंगे तो सारा सारा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास आपके इसी ड्रम में आ जाएगा। ये बन गया आपका एनपीके लिक्विड सॉल्युबल जो आप लाते हैं 18-18, 19-20 हजार रुपए आपका इस समय चल रहा मार्केट में, वो आपने घर में बना। और जब इसको आप पानी के साथ डालेंगे खेत में डीप इरीगेशन के लिए, डीप इरीगेशन इसके लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि डायरेक्ट प्लांट में आता है, आपके जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर बन जाए आपने घर ही बना, आप उसको पानी जो आपने बनाया उसको कस कर लीजिए पे आपको एनपीके वापस आ जाए। और जब ये जाएगा धीरे धीरे आपके जो प्लांट में डालेंगे 5-5 किलो प्लांट पूरा अपटेक कर लॉसेस नहीं होंगे। जब यूरिया डालते हैं 60% जमीन में ऊपर हवा हो जाता है, डीएपी डालते हैं एमओपी डालते हैं 80% जमीन में फिक्स हो जाता है, यही रीजन है कि जमीन आपकी खराब है। जैसे ही आपने इसको डाला डीकम्पोजर, डीकम्पोजर क्या करता है जो फिक्स होने वाला उसको कम कर देता है, 90% उसका प्लांट को सप्लाई करता है, तो आपके जो वेस्टेज है वो खत्म होगा। और 5-5 किलो कर दिया है, हाँ अगर आप अपना दूसरे तरह समझिए कि अगर आपको खाना आप खाते हैं 200 ग्राम, हम आपको 1 किलो दे दें कि भाई बैठ के खाओ, 1 किलो आप नहीं खा पाते, वैसे ही प्लांट है, प्लांट को चाहिए एक फिक्स मार्केट, एक बार वो आपने दिन जब बोरों में डाला ज्यादा डाला तो जितना लेना खाएगा बाकी पड़ा रहेगा, और जो पड़ा रहेगा तो बाकी नुकसान करेगा। यही रीजन है कि आपकी डोजेस बढ़ते जाती है और आपका जमीन नुकसान है। तो जैसे आप 5-5 किलो करेंगे आप देखेंगे रिजल्ट आना शुरू कर, एक बार आपने किया 5 किलो की डोज ली, फिर दोबारा देना फिर दे दीजिए फिर दिला, तो मतलब 50% कम करके लिक्विड फॉर्म में दीजिए और जो नीचे स्लज बन जाता है एक महीने बाद, एक बार डाल दिया आपने फिर से पानी भर दिया, पानी वही पानी बचा वेस्ट डीकम्पोजर डाल दिया हर जगह वेस्ट कर दिया, फिर आपने 4 दिन छोड़ा फिर आपने सिंचाई कर, तो वो जो नीचे पड़ा है उसके अंदर के आपके जो कुछ एलिमेंट्स पड़े वो भी निकलने लगे, वो बाहर आना शुरू कर, वो भी आपको फायदा करेगा। तो ये सारे के सारे खाली ये वेस्ट डीकम्पोजर से ही आपके बाहर आते हैं, तो वो जो आप करेंगे तो आपका टेंटर डोज 50% कम हो जाएगी। और बाकी चीज आपने जो बदामा इन सबका मिलाने के साथ जब आप समावेश करेंगे आपकी हीट बढ़ेगी। इसके अलावा एक और है जो गोमूत्र हाईली कंसंट्रेटेड गोमूत्र होता है, गोमूत्र आपको मालूम है कि उसमें एंटीबायोटिक बैक्टीरिया होता है, अगर कहीं आपका कट हो जाता है तो गोमूत्र डाल देते हैं, तो आप देखेंगे तो इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड ये दुनिया भर के नाम सुने आप 75% कम कर रहे हैं, जो पहले 1 लीटर लाते थे अब 250 ml सबको ले लीजिए, 250 ml 250 ml 250 ml और इसमें डाल दीजिए, इसमें एक बोतल है 1/2 किलो की यानी आपका 500 ग्राम की 100 लीटर पानी लिया उसमें डाल दिया, गुड़ नहीं डालना, डाल दिया दूसरे दिन तैयार हो गया, उसमें सारे पेस्टिसाइड जो भी डालने खाली 25% डाल दिया और उसका स्प्रे कर, जो एक बोतल आप पेस्टिसाइड का यूज करके फायदा नहीं डालते थे उससे ज्यादा ये फायदा, पेस्टिसाइड डालते हैं उसका असर 14-15-20 दिन रहता है, मैक्सिमम 15-16 दिन रहता है फिर आप डालते हैं, लेकिन इसको डालेंगे महीना भरा सारा रहेगा, दोबारा आपको लेने नहीं पड़ेगा, एक लीटर ले आए तो 250 ग्राम डाला फिर 250 ग्राम पूरी क्रॉप निकल जाएगी, बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम 2 बार स्प्रे हो, तो ये हो गया पेस्टिसाइड। अगर आप केमिकल आपका जो आइकोनोटिन डालते हैं उसका आधा डोज करते हैं, हर चीज को आधा करते हैं जो केमिकल डाल रहे हैं इसी में डाल दिए, डालने का स्प्रे कर दिए, गन्ना का है तो गन्ना देखिए कैसे 2 दिन में चमकना शुरू कर देता, हाइट बढ़ना शुरू हो जाता, तो ये बिल्कुल बूस्ट कर देता हर एक्टिविटी को बढ़ा देता। सब्जी पालन कर रहा है सब्जी भी डाल दीजिए, सब्जी भी यही होगा, ये जितने भी केमिकल है इसके साथ मिला सकते हैं, यही एक प्रोडक्ट ऐसा है जो केमिकल वालों के लिए है कि आप इसको मिला, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप जो आपने रूटीन बनाया है माइक्रो रूटीन बनाया है पत्थरों का वही सब इसको मिला दीजिए, मिला के उसको स्प्रे कर, जब आप स्प्रे करेंगे देखेंगे बिल्कुल जो अपने खाए इसका बढ़ जाता है तो आपसे पूरे फसल में पूरा चेंज आए, उसमें ग्रीनरी आ जाएगी, पत्ते का साइज बढ़ जाता है, फ्लावरिंग फ्लावरिंग टॉपिंग बहुत आपका कम हो जाता है, आपका फ्रूट साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो अभी जो हमारे आग इंडिया में जो रेट आ रहे हैं उसका सबका मैंने वीडियो डाला, अगर आप डॉक्टर किशन चंदा नाम डालेंगे या फिर
मिला के 1:1, अगर आपने 10 लीटर ले लिया, 10 लीटर आपने पत्थर कर लिया, हाइड्रोमीटर मिला के स्प्रे कर, एक स्प्रे कीजिए, फिर 7 डेज आप स्प्रे कीजिए, 15 दिन के बाद देखेंगे नीचे से फटान छूट गई, एक आपका जो डंठल जो आपकी लगी है उसमें फिर से 4, कम से कम 4 गोभी लीजिए, मैक्सिमम 7 गोभी लगे, पत्ता गोभी वो भी 4 लीजिए, फूल गोभी फिर 4 लीजिए, आपके जो ब्रोकली है हरे रंग की वो भी 4 लीजिए, ये आपका ऑलरेडी हो रहा है, आप इंडिया में सब किसान रिपोर्ट कर रहे हैं और सबको रिजल्ट मिल रहा है, तो डंठल काट के फेंकिए उसको दोबारा फिर डाले, इसी तरह से बाकी जो फसल आई टमाटर ला रहे हैं बैंगन ला रहे हैं उसमें भी ऐसे ही है, आप फर्कस कर लीजिए और जब सीजन नहीं ऊपर थोड़ा पैकिंग कर दीजिए, वेस्ट डिकम्पोजर आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट पत्थरों का मिलाइए डालिए, आपका प्लान 4-5 साल तक चलता है, बार बार कूटिंग करते रहेगा, साल भर कूटिंग होती रहती है, कुछ जगह साल भर एक आप सीड लगाएंगे आपका साइज बिल्कुल पड़ता है, चाहे गमले में लगाए चाहे खेत में लगाए कहीं लगाए, सबका जो है आपका हीट अपने आप बढ़ता है, भले लिखा है आपने जब आप सीट लेके आपने लिखा होगा कि ये 120 दिन में देगा फ्रूट देगा, लेकिन जब इसको डालना शुरू करेंगे 120 दिन नहीं 110 दिन में पैदा हो जाएगा, प्रैक्टिकल करके देखिए आप कि जो आप बता रहे एक एक चीज एक एक सब आपको वही मिलेगा, इससे अधिक मिलेगा कम नहीं, अभी आप लोग जहाँ इकट्ठा है किसान भाई ने यूज किया वो आपको अपने आप बताएंगे, तो ये सब्जियों में भी कमाल करेगा, हर फसल में आपका वही है, मेजर चीज वही है कि आपकी जमीन खराब नहीं, अब जमीन तो खराब नहीं लेकिन पानी की बात आ रही है, तो जमीन के अंदर जब आप इसको डाल रहे हैं तो आपको पता है कि केचुए आ गए थे, 5 लाख केचुए आपके आ गए, वो केचुए नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं, 6 फीट के नीचे आपके टॉप पर खराब है जो कि एवलेबल फॉर्म में होंगे, लेकिन जब केचुआ आ जाता है उसकी बॉडी से जो आपका जो चिकनाहट है जो लिक्विड निकल रहा है वो